हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चल रहा है अवकलनीयता। इसमें फंक्शन है यक्स इक्वल जीरो पर अवकलनीय दिखाना है कि ये नहीं है। यक्स नॉट इक्वल जीरो पर यक्स साइन 1/x और यक्स इक्वल जीरो पर जीरो। यक्स नॉट इक्वल जीरो मीन्स लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के लिए यही फंक्शन है। तो इस तरह लेफ्ट एफ डैश जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन में यक्स के स्थान पर जीरो माइनस एच लिखेंगे तो यक्स माइनस एच साइन 1/-h माइनस एफ जीरो मीन्स जीरो और अपन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल आउट। एच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो ये साइन 1/0 मीन्स माइनस वन तथा प्लस वन के बीच एक संख्या, क्योंकि साइन का रेंज माइनस वन से प्लस वन के बीच होता है। कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसका मतलब यक्स इक्वल जीरो पर लेफ्ट यफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार यक्स इक्वल जीरो पर राइट एफ डैश जीरो का भी अस्तित्व नहीं है। इस तरह ये एफ एक्स यक्स इक्वल जीरो पर अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट, ये फंक्शन यक्स इक्वल सी पर अवकलनीय है तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। अवकलनीय है मीन्स सतत भी होगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल और फलन का मान यफ सी भी इसके इक्वल, तीनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट मीन्स यक्स लेस देन सी। ये फंक्शन आएगा यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर के स्थान पर लिमिट माइनस यच लिखते हैं, मीन्स सी माइनस यच और ये स्क्वायर है। यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो ये आ गया सी स्क्वायर। राइट लिमिट, राइट लिमिट के लिए यक्स ग्रेटर देन सी होता है। इस तरह लिमिट यच टेंड्स टू जीरो फंक्शन में यक्स के स्थान पर लिमिट प्लस यच मीन्स सी प्लस यच लिख देंगे और प्लस भी है। यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो ये आ गया जीरो मीन्स ए सी प्लस बी। इस तरह सी स्क्वायर इक्वल ए सी प्लस बी ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि एफ सी इक्वल भी सी स्क्वायर ही आएगा। यक्स इक्वल सी पर अवकलनीय है तो अवकलनीयता के लिए लेफ्ट एफ डैश सी इक्वल राइट एफ डैश सी मीन्स लिमिट यच टेंड्स टू जीरो यफ लिमिट माइनस यच माइनस यफ सी अपन माइनस यच इक्वल लिमिट यच टेंड्स टू जीरो यफ लिमिट प्लस यच माइनस यफ सी और अपन प्लस यच। लिमिट माइनस एच मीन्स लेफ्ट लिमिट के लिए वही यक्स लेस देन सी यहाँ आएगा फंक्शन में। तो लिमिट यच टेंड्स
टू जीरो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो यक्स लेस देन सी में यक्स के स्थान पर सी माइनस यच का होल स्क्वायर माइनस यफ सी, यफ सी यक्स इक्वल सी लिखेंगे तो सी स्क्वायर और अपान है माइनस यच, और राइट के लिए लिमिट यच टेंड्स टू जीरो सी प्लस यच मीन्स यक्स ग्रेटर देन सी, तो ए यक्स के स्थान पर सी प्लस यच और प्लस बी और फिर है माइनस यफ सी, तो माइनस सी स्क्वायर और अपान यच। इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो सी स्क्वायर प्लस यच स्क्वायर माइनस टू सी एच माइनस सी स्क्वायर और अपन माइनस यच, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, लिमिट यच टेंड्स टू जीरो ये यच कॉमन लेंगे तो यच माइनस टू सी अपन माइनस यच, यच से यच कैंसिल, यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस मीन्स लेफ्ट डिराइवेटिव टू सी आ गया। ये राइट राइट को देखिए लिमिट यच टेंड्स टू जीरो ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, इस फर्स्ट इक्वेशन में सी स्क्वायर का वैल्यू ए सी प्लस बी है तो माइनस सी स्क्वायर होगा माइनस ए सी माइनस बी और अपन यच, इस तरह ए सी से ए सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल और एच से एच को कैंसिल करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए और अब एच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो ये इक्वल ए आ गया। ए राइट डिराइवेटिव है क्योंकि ये फंक्शन अवकलनीय है एक्स इक्वल सी पर, इसलिए ये लेफ्ट डिराइवेटिव इस राइट डिराइवेटिव के इक्वल हो गया तो ए इक्वल सी आ गया, ए इक्वल टू सी। और बी का वैल्यू ए का ये यहां रख देंगे वैल्यू तो बी इक्वल आ जाएगा। देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन से सी स्क्वायर इक्वल ए मीन्स टू सी तो ए टू सी स्क्वायर हो गया प्लस बी और इस तरह बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर मीन्स माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर इक्वल ए, ए का वैल्यू टू सी तो टू सी स्क्वायर प्लस ये बी है तो बी इक्वल आ गया माइनस सी स्क्वायर। इस तरह ए का वैल्यू टू सी एवं माइनस सी स्क्वायर ए और बी के वैल्यू आ गए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है यदि एफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी एवं एफ जीरो इक्वल वन एफ डैश जीरो इक्वल वन तो एफ टू का मान ज्ञात कीजिए। एफ जीरो इक्वल वन एक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे तो एफ जीरो यम इंटू जीरो प्लस सी और एफ जीरो का वन मान दिया है, इस तरह सी का वन आ गया। एफ डैश जीरो मीन्स ये जीरो पर डिराइवेटिव है और इसका वैल्यू वन है तो लेफ्ट डिराइवेटिव राइट डिराइवेटिव दोनों इक्वल है तो लेफ्ट या राइट किसी का यूज कर सकते हैं, तो लिमिट
यच टेंड्स टू जीरो, यफ जीरो प्लस यच माइनस यफ जीरो और अपान यच, लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में यक्स के स्थान पर जीरो प्लस यच, तो यम जीरो प्लस यच से यच आ गया, प्लस सी और सी का वैल्यू है वन, तो वन माइनस यफ जीरो, यफ जीरो भी वन दिया हुआ है, और अपान यच, इस तरह वन से वन कैंसिल हो गया, यम यच अपान यच, यच से यच कैंसिल करेंगे तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो यम आ गया, और चूंकि इसमें यच नहीं है, यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो ये यम ही आया। इस तरह ये है क्या, ये यफ डैश जीरो, और ये यफ डैश जीरो मीन्स वन, तो यम का वैल्यू आ गया वन। फंक्शन यफ यक्स इक्वल यम यक्स प्लस सी, यम वन है तो वन यक्स प्लस सी मीन्स वन, यफ यक्स इक्वल आ रहा है यक्स प्लस वन, तो यफ टू का मान ज्ञात करना है, यफ टू इक्वल यक्स के स्थान पर टू प्लस वन, इस तरह यफ टू आ गया थ्री। फंक्शन यफ यक्स इक्वल ये प्रतिबंध माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल यक्स लेस देन माइनस टू, माइनस टू लेस देन आर इक्वल यक्स लेस देन जीरो, और जीरो लेस देन आर इक्वल यक्स, यक्स लेस देन आर इक्वल वन, इस तरह ये फंक्शंस हैं, द्वारा परिभाषित फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो कंपेयर कैसे, यक्स लेस देन माइनस टू और यक्स ग्रेटर देन माइनस टू, यक्स लेस देन जीरो और यक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स माइनस टू और जीरो पर ये जांच करनी है। माइनस टू पर करेंगे, लेफ्ट यफ डैश माइनस टू, तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, यफ लिमिट माइनस यच मीन्स माइनस टू माइनस यच माइनस यफ लिमिट यफ माइनस टू और अपान माइनस यच, लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, यक्स लेस देन माइनस टू मीन्स ये पहला वाला फंक्शन टू, यक्स के स्थान पर माइनस टू माइनस यच, और ये है प्लस थ्री, टू यक्स प्लस थ्री हो गया, माइनस यफ माइनस टू मीन्स यक्स इक्वल माइनस टू, तो यक्स इक्वल माइनस टू ये है यक्स, यक्स मीन्स माइनस टू और प्लस वन अपान माइनस यच, इस तरह लिमिट यच टेंड्स टू जीरो माइनस फोर माइनस टू यच प्लस थ्री माइनस माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और माइनस माइनस ये प्लस वन हो रहा है अपान माइनस यच, फोर से ये माइनस फोर कैंसिल, यच से यच कैंसिल करेंगे तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो टू आ रहा है, और इस तरह यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो लेफ्ट डिराइवेटिव टू आ गया। राइट यफ डैश माइनस टू लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, यफ माइनस टू प्लस यच माइनस यफ माइनस टू और अपन प्लस यच, लिमिट यच टेंड्स टू जीरो माइनस टू प्लस यच, राइट के लिए यक्स ग्रेटर देन माइनस टू, तो यक्स ग्रेटर देन माइनस टू यक्स प्लस वन है, तो यक्स
मीन्स -2 + h और +1 माइनस एफ -2, यक्स इक्वल -2 ही आएगा, तो यक्स के स्थान पर -2 और +1 और अपान एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, -2 प्लस एच +1 +2 -1 अपान एच, -1 से ये +1 कैंसिल, 2 से ये -2 कैंसिल, इस तरह एच से एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, और ये राइट डिराइवेटिव 1 आ गया। लेफ्ट डिराइवेटिव 2, राइट डिराइवेटिव 1, जो कि इक्वल नहीं है, लेफ्ट एफ डैश -2 नॉट इक्वल राइट एफ डैश -2, अतः एफ -2 पर ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल 0 पर ये जांच करेंगे। लेफ्ट एफ डैश 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 -h - f0 अपान -h, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फलन में यक्स के स्थान पर 0 माइनस एच, किस फलन में, लेफ्ट मीन्स यक्स लेस देन 0, यक्स लेस देन 0 ये दूसरा वाला फलन, यक्स के स्थान पर -h और +1, माइनस एफ 0 मीन्स यक्स इक्वल 0, तो ये है यक्स +2 मीन्स 0 + 2 और अपान -h, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -h + 1 -2 अपान -h, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -h - 1 और अपान -h, इस तरह लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 + 1 अपान एच आ रहा है। एच को 0 पर टेंड्स करेंगे तो इसका अर्थ है कि एक्स इक्वल 0 पर लेफ्ट एफ डैश 0 अस्तित्व में नहीं है, तो राइट की कोई आवश्यकता नहीं है, अस्तित्व में नहीं है लेफ्ट मान ही, इस तरह एक्स इक्वल 0 पर भी ये डिराइवेटिव नहीं हो सकता, ये अवकलनीय नहीं हो सकता। तो ये प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन एक्स इक्वल -2 एवं एक्स इक्वल 0 पर अवकलनीय नहीं है। फलन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ लॉग एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 की अवकलनीयता की जांच करनी है, मीन्स एक्स पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव ये लॉग का डोमेन होता है, और मॉडलस के लिए एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ लॉग एक्स ये लॉग एक्स होता है, और माइनस लॉग एक्स मॉडलस, लॉग एक्स तब जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 1, और माइनस लॉग एक्स जब एक्स 0 और 1 के बीच होता है। इस तरह एक्स इक्वल 0 पर ये, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन ये 1 ही है, इस 1 पर जांच करेंगे, एक्स लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, दोनों ये वैल्यू दिया हुआ है लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, तो लेफ्ट एफ डैश 1, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 1 -h - f1 और अपान -h, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 -h मीन्स एक्स लेस देन 1, तो इसके लिए ये फंक्शन होगा माइनस लॉग एक्स के स्थान पर 1 -h माइनस एफ 1, एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 1 ये है लॉग 1 अपान -h, लिमिट एच टेंड्स टू 0,
लॉग वन माइनस यक्स का फार्मूला माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस यक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट इस तरह। तो लॉग वन माइनस यच का माइनस यच स्क्वायर अपॉन टू ऐसे ही डॉट डॉट माइनस लॉग वन का वैल्यू जीरो और अपॉन माइनस यच, माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे, यच कॉमन लेंगे तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, माइनस यच कॉमन ले रहे हैं तो यच प्लस यच अपॉन माइनस यच कॉमन लेंगे तो ये वन आ रहा है और माइनस यच से प्लस यच अपॉन टू प्लस डॉट डॉट और अपॉन यच, यच से ये यच कैंसिल हो गया। अब यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो वन के बाद ये पूरी श्रेणी जीरो हो जाएगी, इस तरह ये वन और ये माइनस, लेफ्ट डिराइवेटिव माइनस वन आ गया। एंड राइट डिराइवेटिव देखिए, राइट एफ डैश वन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। वन प्लस एच मीन्स एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये होगा लॉग एक्स के स्थान पर वन प्लस एच माइनस एफ वन, एक्स इक्वल वन भी यही है लॉग वन और अपन यच। इस तरह लिमिट यच टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस यक्स का फार्मूला, लॉग वन प्लस यक्स का फार्मूला यक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस यक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस यक्स पावर फोर अपॉन फोर ऐसे डॉट डॉट करके इस तरह ये फार्मूला होता है। तो लॉग वन प्लस एच का एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू प्लस एच क्यूब अपॉन थ्री इस तरह, और माइनस लॉग वन का जीरो वैल्यू और अपॉन एच, एच कॉमन लेके और एच से कैंसिल कर देंगे तो ये वन के बाद सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, मीन्स ये वैल्यू आ रहा है वन। लेफ्ट डिराइवेटिव वैल्यू माइनस वन, राइट डिराइवेटिव वैल्यू प्लस वन, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, अतः यक्स इक्वल इज ग्रेटर देन वन, यक्स लेस देन वन, ये तो हमने डिसाइड किया, ये मॉडलस मॉड ऑफ लॉग एक्स ये अवकलनीय नहीं हो सकता। मीन्स वन को छोड़कर से सारे रियल नंबर पर ये अवकलनीय हो सकता है, लेकिन वन पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स इक्वल जीरो पर इस फंक्शन की जांच करनी है कि अवकलनीय है कि नहीं है। यक्स नॉट इक्वल जीरो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट के लिए आएगा, तो लेफ्ट एफ डैश जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। यक्स लेस देन जीरो लेफ्ट, तो लेस देन जीरो के लिए भी यही है, मीन्स यक्स के स्थान पर माइनस एच का होली स्क्वायर साइन वन अपॉन यक्स के स्थान पर माइनस एच माइनस एफ जीरो के लिए जीरो दिया हुआ है वैल्यू और अपॉन माइनस एच। इस तरह लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन माइनस एच और अपॉन माइनस एच, एच को इस एच से कैंसिल कर दिए, क्योंकि नीचे एच नहीं है तो एच को जीरो पर टेंड्स कर सकते हैं जीरो, ये जीरो और इनटू साइन वन अपॉन
एच को जीरो पर लिख भी लेंगे, टेंस भी कर देंगे, तो माइनस वन से प्लस वन के बीच ये कोई संख्या है, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ रहा है। और इस तरह राइट एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन वन अपान एच माइनस जीरो अपान एच, जीरो ही है, एच से एच कैंसिल हो गया, एच को जीरो पर टेंस करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ गया जीरो। मीन्स लेफ्ट डिराइवेटिव राइट डिराइवेटिव दोनों ही जीरो है, अतः एक्स इक्वल जीरो पर ये फंक्शन अवकलनीय है। फलन एफ एक्स इक्वल ई पावर माड एफ एक्स की अवकलनीयता की जांच करनी है, तो इसमें मॉडुलस का वैल्यू देखिए कैसे लिखते हैं। ई पावर माड एफ एक्स मीन्स ई पावर एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, और ई पावर माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि निगेटिव है और निगेटिव में पहले से ये माइनस लगा देंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरह एक्स इक्वल जीरो पर ये जांच करेंगे, तो लेफ्ट एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो और अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो में एक्स के स्थान पर जीरो माइनस एच लिखेंगे, तो एक्स लेस देन जीरो का ये फंक्शन है, ई पावर माइनस एक्स के स्थान पर जीरो माइनस एच या माइनस एच लिख दिए, माइनस एफ जीरो, एक्स इक्वल जीरो के लिए ये फंक्शन है ई पावर जीरो और अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई पावर एच माइनस वन और अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई पावर एच का फार्मूला मीन्स ई पावर एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल थ्री, इस प्रकार से ई पावर एच का वन प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट माइनस वन अपान माइनस एच, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन लेंगे वन प्लस एच अपान फैक्टोरियल टू डॉट डॉट वन के बाद से सभी पद एच के बड़े घात हैं, एच से तो एच कैंसिल हो गया, एच को जीरो पर टेंस करेंगे तो ये सारे पद जीरो हो जाएंगे, मीन्स केवल वन बचेगा और ये माइनस, इस तरह ये लेफ्ट डिराइवेटिव माइनस वन आ रहा है। और राइट देख लीजिए, राइट एफ डैश वन, राइट एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपान एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे ये फंक्शन, तो ई पावर एक्स के स्थान पर जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, यही फंक्शन है, ई पावर ये हो गया जीरो एक्स के स्थान पर जीरो और अपन एच, इस तरह लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई पावर एच का फार्मूला वन प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट और ई पावर जीरो का वैल्यू वन और अपन एच, वन से वन कैंसिल,
और यच कॉमन लेंगे तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो वन प्लस यच अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट, और यच से यच कैंसिल हो गया, यच को जीरो पर टेंड्स करेंगे तो वन के बाद सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। इस तरह राइट डिराइवेटिव आ गया वन, लेफ्ट डिराइवेटिव माइनस वन, राइट डिराइवेटिव प्लस वन जो इक्वल नहीं है। अतः ये फंक्शन यक्स इक्वल जीरो पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, मीन्स ये जीरो को छोड़कर और सारे रियल नंबर पर ये अवकलनीय होता है लेकिन जीरो पर नहीं होता। इस तरह सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए हों तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।